मोहिनी और गौतम की नई नई शादी हुई होती है। मोहिनी एक बहुत ही नेक और अच्छे स्वभाव की लड़की होती है। गौतम और मोहिनी में खूब प्यार भी होता है। उनकी सुहाग रात के समय, बेबी तुम इस लहंगे में तो कहर डाल रही हो, चलो चलो अब इस घूंघट के पीछे का चांद का मुखड़ा दिखा भी दो। मेरा जिया बेकरार है, इससे पहले कि इंतजार करते करते मुझे हार्ट अटैक आ जाए। गौतम जी प्लीज ऐसी बातें ना करिए ना, यू आर माई जान। ओके बेबी, तो क्या अब हम अपनी सुहागरात की रस्म शुरू कर सकते हैं? यस बेबी, गौतम जी आपको पता है आपको मिलने के बाद ना मेरे होश और खबर दोनों उड़ चुके हैं। और फिर दोनों बेड पर चढ़कर नाचते हुए रोमांस करते हैं। होश न खबर है ये कैसा असर है, तुमसे मिलने के बाद दिलबर 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 हाँ दिलबर दिलबर। अरे तेरे बिन सूनी सूनी हराहें, तेरे बिन प्यासी प्यासी निगाहें, तेरे बिन आशिक बनाया आशिक बनाया आशिक बनाया आपने, उफ बेबी। दोनों अपनी सुहाग रात बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। अगले दिन अपनी पहली रसोई में बढ़िया सा खाना बनाकर मोहिनी अपनी सास हेमा को खुश कर देती है। अरे वाह बहुरिया, तेरे हाथों में सच में जादू है, अन्नपूर्णा का वास है, इतना स्वादिष्ट खाना, ये तो अमृत है अमृत। ये ले बहुरिया, तेरी पहली रसोई का शगुन, ये खानदानी कंगन है। माँ जी मुझे इन कंगन का कोई लालच नहीं है, बस आप मेरे सर पर अपना हाथ रख कर आशीर्वाद दे दो, वही मेरे लिए स्वर्ग है। बड़ी ही सर्वगुण संपन्न बहू है मेरी, थैंक यू चीकू मेरे लिए इतनी सुंदर और सुशील बहू लाने के लिए। लेकिन हेमा इस बात से अनजान थी कि उसके लिए ये सर्वगुण संपन्न बहू एक कालातीत है। एक दिन जब मोहिनी बाजार में सामान ले रही होती है, तभी कुछ आदमी बाइक से मोहिनी को घेर लेते हैं। अरे डार्लिंग, आज हमें जन्नत नहीं दिखाओगी क्या? अरे बेबी अभी मेरे जिस्म की आग तो बुझा दो। अरे शादी हो गई तो क्या हुआ, अब तो हमें जिस्मानी सुख नहीं दोगी क्या? तुम्हें देख के तो अरे मेरे शोले भड़क रहे, जाने मन लपते जिगर जाने जिगर। शादी क्या हो गई, तू तो हमें भूल ही गई। अरे याद है ना गली नंबर 36 का रूम नंबर 202, हम दोनों ने क्या रोमांस किया था। भरे बाजार में वो आदमी मोहिनी को छेड़ने लगते हैं और मोहिनी डर के मारे कांप रही होती है, वो आंखें बंद करके रोती है। हे कान्हा जी, आपने एक बार भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित होते हुए बचाया था, आज इस भरे बाजार में मुझे अपमानित होने से बचा लिए प्रभु। बाजार में मौजूद सभी लोग सिर्फ तमाशे को देख रहे होते हैं, लेकिन इससे पहले मोहिनी का पूरी तरह से अपमान हो चुका होता है। गौतम वहाँ पे आ जाता है और वो उन आदमियों को खूब पीटता है। मोहिनी झट से गौतम के सीने से लग जाती है। गौतम जी, मोहिनी तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं हुआ, डरो मत, वो लोग चले गए मोहिनी, देखो। गौतम मोहिनी को पानी पिलाता है और उसे ठंडी छांव में कुछ देर बिठाता है। वहीं गली की औरतें सारा किस्सा जाकर हेमा को बताती है। अरे ओ टकली, तेरे सर के बाल देख पहले, फिर मेरी बहू को बेशरम कहना। ओ है महारानी, हवा में डींगे ना हाँ, जो है वही बोल रही हूँ मैं। है हेमा, तेरी नई बहू बेशरम है तो है, अरे उन आदमियों में से एक आदमी तो ये भी बोल रहा था कि उसने तेरी बहू के साथ ची 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 ची। मुझे तो ये सब बताने में ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है। लगता है तुम सभी चुड़ैलों ने दिन दहाड़े दारू पी ली है, रुको अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ। हेमा औरतों को झाड़ू से मार मार कर भगाती है, लेकिन घर आने पर गौतम खुद हेमा को सारी सच्चाई बता देता है। माँ मुझे माफ करना, ये बात मैंने आपसे छुपाई, लेकिन यही सच है कि मोहिनी एक वैश्या थी, एक तवायफ, ये बचपन से ही अनाथ थी, इसलिए किस्मत की मजबूरी ने इसे उन गंदी गलियारों में खींच लिया था। वो तो गौतम जी थे जो एक दिन मुझे एक बाजार में मिले और हमारी बातें होती गई, और फिर इन्होंने एक दिन मुझे वहाँ से भगाकर मुझसे शादी कर ली एक मंदिर में। हेमा ये सब सुनकर बहुत हैरान थी, वो मोहिनी से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। हेमा एक शख्स को फोन लगाती है और वो मोहिनी बहू को उस शख्स को बेचने की बात करती है। ए
एक तवाइफ कभी इस घर की बहू नहीं बन सकती। लेकिन अगले दिन जब मोहिनी मंदिर से लौट रही होती है तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी किडनी डैमेज हो जाती है। तभी मोहिनी ही उसे अपनी किडनी डोनेट करती है। हेमा को ये सब देखकर अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर देना बहुरिया, मैं तो तेरे साथ क्या करने जा रही थी। तेरा अतीत चाहे कुछ भी हो लेकिन तू ही है मेरे घर की सच्ची लक्ष्मी। नामिक और मोहिनी की नई नई शादी हुई होती है। मोहिनी के सास ससुर प्रेमलाल और शालू को मोहिनी बहुत पसंद होती है। मोहिनी दिन भर एक सर्वगुण संपन्न बहू बनकर रहती है लेकिन रात को सोने के बाद नींद में ना जाने उसे क्या हो जाता है और वो अजीबोगरीब डरावनी हरकतें करने लग जाती है। एक रात जब नामिक और मोहिनी अपने कमरे में सो रहे होते हैं तभी मोहिनी नींद में उठकर बैठती है और वो डरावनी आवाज में कहने लगती है, तंगा बल्ली किट्टा वराडे नाजोरा उट्टी पेंडा तंगा बल्ली किट्टा वराडे। नामिक जाग जाता है और मोहिनी को भूतों जैसा बर्ताव करते देख उसकी सुसु निकल जाती है। नहीं, बचाओ, मेरी बीबी भूत है, नहीं। तंग बल्ले किट्टा वरड़े। मोहिनी नामिक को जोरदार लात मारती है और वह सीधे कमरे से बाहर जाकर गिर जाता है। आई रे आए, लगता है मेरे बम के टुकड़े टुकड़े होकर बम बम नहीं रहा। थोड़ी देर बाद मोहिनी शांत हो जाती है और सो जाती है। अगले दिन, I'm sorry नामिक, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर देना। लाओ मैं तुम्हारे बम पर बाम लगा दूँ। अरे नहीं नहीं, पागल वागल हो गई हो क्या, मैं खुद लगा लूंगा। ज्यादा हॉरर मूवीज मत देखा करो यार, दिन भर वही देखती हो और रात को मेरा सस्सो निकाल देती हो। लेकिन मोहिनी का नींद में भूत बनने का सिलसिला यही नहीं थम जाता। जब रात में शालू और प्रेमलाल अपने रूम में रोमांस कर रहे होते हैं। वाह वाह शालू, तुम तो इन छोटे कपड़ों में एकदम एटम पाँव लग रही हो, कसम से यार मन कर रहा है तुम्हें चूम लूं पूरी तरह से। क्या भी काटे नहीं कटते दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात, लो आज मैं कहता हूँ I love you, I love you, I love you, I love you, I love you। दोनों बिस्तर में अपना रोमांस जारी रखते हैं। तभी वहाँ कमरे में मोहिनी जमीन पर भूतों की तरह चलकर आती है और शालू और प्रेमलाल का ब्लैंकेट हटाते हुए उन्हें देखकर डरावने रूप में हंसती है। मोहिनी उन्हें पूरे घर में ढूंढती है और बाद में खुद जाकर सो जाती है। अगली रात शालू देखती है कि मोहिनी नींद में भूत बनकर अब पंखे पर लटक जाती है। तभी प्रेमलाल तांत्रिक को बुलाता है। डरो मत शालू बहन, क्योंकि अब आ गया है भूतों का दुश्मन तांत्रिक तक्रिय। कुछ भी कीजिए तांत्रिक भाई साहब, लेकिन हमारी बहू के अंदर के भूत को बाहर निकाल लीजिए। आल तू जलाल तू आई भला को डाल तू। तभी मोहिनी पंखे से कूदकर तांत्रिक को लात मारती है और वो सीधे खिड़की से बाहर उठ जाता है और उसके बदन की सारी हड्डियां टूट जाती हैं। ऐसे ही एक दिन नामिक इस बात को अपने दोस्त रंजन को बताता है
तभी रंजन के पिता, जो कि एक डॉक्टर होते हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। रंजन के पिता मनोहर कहते हैं, नमक बेटा, तुम्हें अपनी बीवी के भूत बनने के लिए तांत्रिक या किसी बाबा की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत है। अब मतलब डॉक्टर थोड़ी भूत भगा सकते हैं मनोहर अंकल? अरे बेटा, तुम्हारी बीवी के अंदर किसी भूत प्रेत का वास नहीं है, ये सारी बेकार की बातें हैं। एक्चुअली तुम्हारी बीवी को एक बहुत बड़ी बीमारी है, जिसमें व्यक्ति अजीबोगरीब डरावनी हरकतें करता है, और इसके लिए बहुत बड़ा इलाज करना पड़ता है, वरना इसमें व्यक्ति की जान भी जा सकती है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता होता है कि वो नींद में क्या कर रहा है। एग्जैक्टली अंकल, मोहिनी भी कभी फैन पर तो कभी टेबल पर चढ़ जाती है और किसी को भी मारती रहती है, और अगली सुबह कहती है मैं तो गहरी नींद में थी। मनोहर मोहिनी का इलाज कराता है। मोहिनी पूरी तरह से ठीक हो जाती है और उसके नींद में भूत बनने की आदत भी छूट जाती है।